हेलो हाय वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कासो सुब्रमण्यम क्रिएटिव चैनल। आज हम देख लेंगे कैसे हम डाई माइक बना सकते हैं। इसी माइक को हम 5 मीटर का वायर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका हम देख लेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये तो ओल्ड मार्कर है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 2 मार्कर ले रहे हैं, एक मार्कर का कैप और एक मार्कर का बैक साइड का क्लिप ले जाना है, और दूसरी मार्कर का कैप से निकालने वाले क्लिप ले जाना है। ये तीनों ले लेने के बाद हमें कैप को होल कर देना है, क्योंकि हम इसमें माइक डाल लेते हैं, इसलिए हम होल कर दिया है। और इसको हमें ब्लेड के इस्तेमाल करके क्लीन कर देंगे। ऐसा क्लीन करने के बाद दूसरी पेन कैप का क्लिप है ना, उसको भी हमें होल्ड कर देंगे, क्योंकि अच्छी तरफ से इसी क्लिप में वो माइक होता है ना, वो माइक इसमें फिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमें इस क्लिप को यूज़ कर रहा है। देखिए कैसे होल्ड बनाए हैं। और इसको इसमें इसी तरफ से फिक्स कर सकते हैं हम, और दूसरी वाली क्लिप है ना मार्कर के पीछे से ले लिया है, उसी क्लिप को हमें होल कर देना है, क्योंकि इसके अंदर से हम वायर को अंदर को लेकर जाएंगे। हम इंटरनेट का वायर को इस्तेमाल कर रहा है, ये इंटरनेट वायर में से हम 2 वायर एक चौड़ी वायर को निकाल देंगे, वो वायर इसी तरफ से रहता है। इसी वायर का ऊपर वाले रबर को निकाल के हमें इसी क्लिप में से क्लिप के अंदर से निकाल के इसको टाई कर देना है, क्योंकि वो माइक को डिस्टर्बेंस ना कर देना, इसलिए हम इस वायर को टाई कर रहा है। उसी ऊपर वाले टर्मिनल्स को थोड़ा सा निकाल दिया है, उसको क्यों निकाल दिया है कि हमें उसके पास माइक अटैच करते हैं। वो तो लूज है ना, इसलिए हमने इधर प्लास्टर को इस्तेमाल करके वो अच्छी तरफ से टाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्लास्टर को। ज़्यादा रहने वाले प्लास्टर को हमें ब्लेड को इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद वो क्लिप अच्छी तरफ से उसी कैप में फिक्स हो जाता है। सब फिक्स हो जाने के बाद हमें उसी रबर को थोड़ा सा निकाल के इधर हमें माइक्रोफोन को अटैच कर देंगे। ये माइक्रोफोन्स आपको ईयरफोन्स में मिलता है, ओल्ड फोन्स में मिलता है, आप
कहीं से भी ले सकते हैं और आपको शॉप्स में भी मिलता है, वो 10 से 15 रुपए में आपको मिलता है माइक्रोफोन्स। इधर आप देख सकते हैं प्लस और माइनस सिंबल्स, अंदर वाले टर्मिनल है ना वो तो प्लस है और बाहर वाली टर्मिनल माइनस है। अंदर वाली टर्मिनल को हमें प्लस दे देंगे और बाहर वाली टर्मिनल को माइनस दे देंगे। ऐसा सोल्डरिंग से आप माइक्रोफोन को दोनों वायर सोल्डरिंग कर देना है। ऐसा करने के बाद आप माइक्रोफोन को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लिया या नहीं इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप होल्स कर दिया है ना, उसी क्लिप में आप उसी माइक्रोफोन को प्लेस कर देना है एंड वायर को अंदर घुसा के उसी क्लिप को अच्छी तरफ से इसमें फिक्स कर देना है। ऐसा फिक्स करने के बाद दूसरी टर्मिनल होते हैं ना वायर की, उसी टर्मिनल को हमें हेडफोन जैक अटैच कर देंगे। ये हेडफोन जैक आपको हेडफोन से भी ले सकते हैं या आप 10 से 15 रुपए में आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिलता है। और इसमें देख सकते हैं आप एक बाहर वाली माइनस है और अंदर वाले प्लस है, उसी टर्मिनल्स को आप मल्टीमीटर के इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं पीछे कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है। इसे देखने के बाद आप कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इस वीडियो में वीडियो को देख के भी आप प्लस कौन सी है माइनस कौन सी है आप समझ सकते हैं। हम प्लस वाली टर्मिनल को प्लस को इधर, प्लस वाली टर्मिनल को प्लस को और माइनस वाले टर्मिनल को माइनस को सोल्डरिंग कर रहा है। इसे सोल्डरिंग करने के बाद आप इसको उसी कैप से जुड़ सकते हैं। इधर देख सकते हैं, आपको समझने के लिए मैंने एक फोटो भी रख दिया हूँ, उसको देख के आप कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है समझ सकते हैं। और उसी कैप को हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आपका हेडसेट पूरा सा पूरा अच्छी तरह से बन गया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसी माइक को हमें घर में बना लिया है। इसका प्राइस जो है बिल्कुल भी फ्री है, हमारे घर के आसपास ईयरफोन से हमें निकाल दिया है पिन और माइक को। एंड ये है पिन का कैप, इसको यूज़ करके हमें लैवलर माइक या कॉलर माइक बना लिया है। इसका टेस्टिंग आप देख रहे हैं, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं पूरा सा पूरा इसी माइक से आ रहा है। आप इसको कॉलर के ऊपर रख के कॉलर के पास रख के आप इसको कॉलर माइक के जैसा यूज़ कर सकते हैं। आपको आप जो नए यूट्यूबर हो इसको इस्तेमाल करके आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं कॉलर माइक के जैसा इसको यूज़ करके। और जो आप एक कॉलर माइक को आप ऑनलाइन में खरीदने से इसको आप 150 से 300 रुपीज़ से परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन में। इसको हमें घर में ही बना लिया है, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगती है। सो आपके पास नए डाई प्रोजेक्ट आइडियाज होने से हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उसी कमेंट को देख के हमें वीडियोस बना सकते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड घंटी को बजा लीजिए।